जल भी त्याग दूंगा मैं। मेरे साथ 10-12 माताएं बहनें जरूर बैठी होंगी, लेकिन किसी को भी भूखा नहीं रखूंगा। मैं खुद भूखा रहूंगा और उसमें अमरण अनशन होगा। जब तक लास्ट सांस चलेगी तब तक मैं उठने वाला नहीं। ये नलायक इकट्ठे होकर जिस तरह जनता को लूटा, जनता को बेवकूफ बनाया और चुप करके खामोशी के साथ एलजी साहब की जितनी भी तानाशाही है उसको सह रहे हैं ये, और ये तमाशबिन बने हुए हैं, उसी को लेकर सेम चीज जो है वो विपक्ष रहा है। 1-1 लाख 1.5 लाख बिल पेंडिंग हो गया, तो वो 200 रुपया बिल नहीं देखते। वो बेचारे तारे बाजार से खरीद के एक डंग भूखा रहकर तारे ला रहे हैं और नहीं जाकर तारे लगवा रहे हैं। जनता की जो बिजली है, जम्मू कश्मीर के जनता की बिजली, फिर सिर्फ 15% बिजली देकर 85% बिजली जो है वो अदर स्टेटों में दी जा रही है, और यहाँ की जम्मू में आप पिछले 8 दिनों से देख लो, 12 घंटों में 8 से 9 घंटे जो बिजली है वो बंद कर दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में 15 तारीख जो 20 तारीख के बीच में फैसला आएगा, तो उसमें मैं आपको बता दूं, ये 370 में जो बेवकूफ बना रहे हैं, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 370 तो वापिस आने वाली रही नहीं। क्या ये जनता के मुद्दों के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? अगर इनका 1 लाख कार्यकर्ता जम्मू में, 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता कश्मीर में है, इससे ज्यादा ही होगा इन पार्टियों का, तो अगर ये 1-1 लाख कार्यकर्ता लेकर सड़कों पे आ जाएं, तो मुझे नहीं लगता कुछ मिनटों में ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर का खराब हो सकता है। सब कश्मीर लीडरों ने दबाया नहीं, आप उनके नीचे दबे हुए हो, आप उनके नीचे बैठना पसंद करते हो, आप उनके सामने बैठना पसंद नहीं करते, उनके साथ मिलकर तो बड़ी दूर की बात है, उनके आगे खड़े होना आपके आप में साहस नहीं है। इसी स्मार्ट मीटर को लेकर इस समय जम्मू कश्मीर में, विशेषकर जम्मू में कई प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, और इन डिमॉन्स्ट्रेशन में अगर आप किसी एक का नाम अगर सुनेंगे तो अमित कपूर का नाम आप ज़्यादा सुनेंगे, जो कि हर एक जगह जगह जाकर स्मार्ट मीटर के इस मामले को लेकर उसके विरोध में जो प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन इनका हंगर स्ट्राइक होने वाली थी कल, और लेकिन उसे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, और पोस्टपोन करने की वजह जो है, अभी जिस तरह से अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक मीट हुई है और उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि 10 तारीख को एक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा, अब उसके बाद ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन इनका रखा जाएगा। मैं इनसे खुद से बातचीत करते हैं कि आपका काफ़ी समय से ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, कि क्या वजह होगी कि आपको अपोजिशन पार्टी के जैसे ही उनकी डिक्लेयर करते हैं, अनाउंस करते हैं कि 10 तारीख है, उसके बाद आप इसको पोस्टपोन कर देते हैं? अगर आप कल से कर ले तो क्या प्रॉब्लम होती? देखिए सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से जो 6 तारीख को हमने अमरण अनशन रखा था वो अब 10 तारीख के बाद रखा जाएगा। 11-12 तारीख को जो भी जगह डिसाइड होगी, जिसकी भी जगह की हमें परमिशन मिलेगी बैठने की, वहाँ पे हम बैठ जाएंगे, और आप ट्रस्ट कीजिए कि वो जल भी त्याग दूंगा मैं। मेरे साथ 10-12 माताएं बहनें जरूर बैठी होंगी, लेकिन किसी को भी भूखा नहीं रखूंगा। मैं खुद भूखा रहूंगा और उसमें अमरण अनशन होगा। जब तक लास्ट सांस चलेगी तब तक मैं उठने वाला नहीं। जब तक लोगों के मुद्दों की बात नहीं होगी, लोगों के स्मार्ट मीटर प्रीपेड सिस्टम की बात नहीं होगी, लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स उतारने की बात नहीं होगी, और हमारे बुजुर्गों की पेंशन बहाल नहीं होगी। बात यह है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा जो सही मुद्दा है वो ये था कि जिस तरह 25 लायकों ने, आप 25 क्या 27 बोलूंगा मैं, जो बाहर से भी एक दो आए हैं, ये नलायक इकट्ठे होकर जिस तरह जनता को लूटा, जनता को बेवकूफ बनाया और चुप करके खामोशी के साथ एलजी साहब की जितनी भी तानाशाही है उसको सह रहे हैं ये, और ये तमाशबिन बने हुए हैं, उसी को लेकर सेम चीज जो है वो विपक्ष कर रहा है। आज विपक्ष के खिलाफ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विपक्ष जैसे ये 25 तमाशबिन बने हुए हैं, उसी तरह विपक्ष भी तो तमाशबिन बना हुआ है। आज जनता पिसती जा रही है, जनता के घरों की लाइटें काट दी जाती हैं, तारे साथ ले ली जाती हैं, तो रात को तांबा बेचकर पी ली जाती हैं, लेकिन जनता के घरों में लाइटें नहीं लगती। सोचिए, जो 200-500 बिल नहीं दे सकते थे, उनका 1-1 लाख 1.5 लाख बिल पेंडिंग हो गया, तो वो 200 रुपया बिल नहीं देखते। वो बेचारे तारे बाजार से खरीद के एक डंग भूखा रहकर तारे ला रहे हैं और नहीं जाकर तारे लगवा रहे हैं। तो ये हालत जम्मू कश्मीर की बन गई है, जबकि हमारी अपनी ज़मीनें, हमारा अपना पानी, हमारी अपनी सड़कें, ज़मीन पानी, हमारी अपनी बिजली, हमारी 9 प्रोजेक्ट जो है वो रनिंग पे हैं। 25 साल का एग्रीमेंट जो है वो पूरा हो चुका है सेंटर से, उसके बाद भी ये अपने जो प्रोजेक्ट हैं ये वापस नहीं ले रहे। जनता की जो बिजली है, जम्मू कश्मीर के जनता की बिजली, फिर सिर्फ 15% बिजली देकर 85% बिजली जो है वो अदर स्टेटों में दी जा रही है, और यहाँ की जम्मू में आप पिछले 8 दिनों से देख लो, 12 घंटों में 8 से 9 घंटे जो बिजली है वो बंद कर दी जा रही है।
तो ये लेकिन इस बीच में अब अपोजिशन पार्टी की जो मीटिंग हुई है उस पर क्यों इतना आपको इतना एतराज है? मुझे ये एतराज है जिस तरह 25 नालायक तमाशबीन बने हुए हैं, जो एलजी साहब का अत्याचार है जम्मू कश्मीर की जनता पे, उसी तरह सेम विपक्ष भी कर रही है। विपक्ष की मीटिंग हुई रेडिसन में, मैंने सोचा चलो आप जागेंगे, ये अब तो ये जनता की आवाज उठाएंगे, जनता के स्मार्ट मीटरों की बात करेंगे, जनता के प्रीपेड टैक्स की बात करेंगे, प्रीपेड सिस्टम की बात करेंगे, जनता के प्रॉपर्टी टैक्स की बात करेंगे, और जनता के माता के बहनों के जो हैं उनके बुजुर्गों की पेंशन की बहाल करने की बात करेंगे, डेली वेजरों की बात करेंगे। लेकिन इन्होंने बात वहां पे क्या की, इन्होंने ये बात की हम लोग इकट्ठे होते हैं 10 तारीख को प्रोटेस्ट करते हैं और इलेक्शन की बात उठ करते हैं और स्टेटहुड की बात करते हैं। भाई साहब स्टेटहुड तो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, जम्मू कश्मीर का बच्चा जानता है कि स्टेटहुड तो हमें वापस मिलनी ही मिलनी है, वो हमें वापस मिलनी ही मिलनी है। सुप्रीम कोर्ट में 15 तारीख जो 20 तारीख के बीच में फैसला आएगा, तो उसमें मैं आपको बता दूं ये 370 में जो बेवकूफ बना रहे हैं ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 370 तो वापस आने वाली रही नहीं, क्योंकि अगर 370 को इन्होंने 370 को बांध के रखा होता, 370 जब तोड़ने की बात की थी तब क्यों ये बिल में घुस गए थे, तब क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के ये जो लेकिन लोक लीडर वहां पे बैठे हुए हैं तब लोगों इन लोगों ने आवाज क्यों उठाई? लेकिन इनका 370 से जम्मू के डोगरों को नुकसान हुआ है, जम्मू के डोगरे बच्चों को नुकसान हुआ है, उतना नुकसान कश्मीर के बच्चों को या कश्मीर के लोगों को नहीं हुआ। लेकिन इस पे आज लोगों की बात को उठाने के लिए एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, उसी को उसके लिए ही उन्होंने कहा कि अगर डेमोक्रेटिक राइट, क्योंकि अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी भी नहीं सुन रही, आप इतने प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अगर लोगों की नहीं सुन रही तो कम से कम उनका ये कहना है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सुनेगी, लेकिन कब सुनेगी, जब विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं जितनी, अगर ये 10,000 लोग लेकर 10 तारीख को इकट्ठा हो सकते हैं एक प्रोटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन करवाइए या फिर किसी और मुद्दे के लिए, क्या ये जनता के मुद्दों के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? अगर इनका 1,00,000 कार्यकर्ता जम्मू में, 1,00,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कश्मीर में है, इससे ज्यादा ही होगा इन पार्टियों का, तो अगर ये 1,00,000 कार्यकर्ता लेकर सड़कों पे आ जाएं तो मुझे नहीं लगता कुछ मिनटों में ये है पूरा लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर का खराब हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता एलजी साहब अपना लॉ एंड ऑर्डर खराब करेंगे, तो वो जनता, क्योंकि वो जनता की आवाज होगी। लेकिन ये जनता को त्राहिमाम, जो त्राहिमाम मचा हुआ है जनता में, जो लोगों के घरों में उनके किचनों का जो उनकी घर की रसोई पे जो फर्क पड़ रहा है, बिजली से जो आने वाले कल में प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, या फिर जो इनके बुजुर्गों की पेंशन जो दवाई आती थी 1,000 रुपये की जो माताएं बहनें लेती थी, उनके ऊपर ये आवाज़ नहीं उठा रहे। अगर उनके ऊपर आवाज़ उठा रहे होते तो आप ट्रस्ट कीजिए जनता इनके पीछे पीछे भागती, और मैं भी इनके पीछे खड़ा होता और मुझे खुशी होती कि कम से कम जिस तरह 25 नालायकों ने जनता को लूटा, उसी तरह जो वो तमाशबीन बने हुए हैं इस तरह विपक्ष तमाशबीन। तो आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष की जो मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने इलेक्शन की, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उसके लिए हम दबाव डालेंगे सरकार के ऊपर, तो क्या अगर वो आकर इलेक्शन भी हो जाते हैं, वो भी अगर सत्ता में अगर आ जाते हैं तो क्या लगता है उनके लिए स्मार्ट मीटर फिर भी कोई मुद्दा नहीं? मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जो स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, बुजुर्गों की पेंशन जो आए दिन लगते जा रहे हैं, जो 17,000 करोड़ का 3 साल पहले नेक्सस चलाया गया उस पर इन्होंने बात नहीं की, अब स्मार्ट मीटर पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपये का नेक्सस है उस पर ये बात नहीं कर रहे, अब 13,000 करोड़ का जल मिशन का नेक्सस हो गया, 500 से 600 करोड़ रुपये का आयुष्मान कार्ड का नेक्सस हो गया, आए दिन नए नेक्सस पकड़े जा रहे हैं, तो आपको लगता है ये सिर्फ वोट मांगने के लिए ये सोच रहे हैं? अमित कपूर जो है स्मार्ट मीटर की लड़ाई पे बीजेपी को गंदा घर गंदा कर चुका है, इसी तरह हम तमाशबीन बने, और जिस तरह 25 नल्ले तमाशबीन बने हुए हैं जनता को लूटने के, जनता को मतलब लुटवाने के या जनता को लूटे जाने के, इसी तरह जो विपक्ष है वो भी तमाशबीन बना हुआ है। मुझे अफसोस ये है कि विपक्ष तो कम से कम विपक्ष जो है वो तो जनता की आवाज उठा लेता, वो तो जनता के मसले, हाँ इलेक्शन के बाद तो कोई भी ये बात बोलेगा, अब कल को मैं भी ये बात बोल दूं, जितने सोशल एक्टिविस्ट आवाज उठा रहे हैं अलग अलग मुद्दों पे, चाहे वो डेली वेजर का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, आए दिन हमारे सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं वो सारे अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं, फिर तो सोशल एक्टिविस्ट भी ये सोचे जब हमारे पास पावर आएगी फिर हम बोलेंगे, भाई साहब पावर जब आएगी तब तो आप बोलोगे, लेकिन आज जनता को भूख आज लगी है,
तो वो आप उनको बोलोगे आप भूखे रहो, आप भूखे रहो, अगर आप बच गए तो मेरे पास कुर्सी आ जाएगी, फिर मैं देखूंगा क्या। अरे भाई जब आपके पास कुर्सी आएगी आपका भी तो यही हाल हो जाएगा। इस बीच में विपक्ष की पार्टी में जो विपक्षी पार्टियों की जो मीटिंग हुई थी उस बीच में जम्मू के जो लीडर्स वहां पर मौजूद थे उनकी आप भूमिका को किस तरह से देखते हैं? सर जम्मू के डोगरों के लीडर वहां पे बैठे हुए थे, ये कहते हैं कश्मीरियों ने हमें लूट लिया, ये कहते हैं कश्मीर हमसे सब कुछ छीन के ले गया। तो मैं पूछना चाहता हूं जम्मू के डोगरों के लीडरों को जो वहां पे डरपोक लीडर गए थे, अगर इनमें हिम्मत होती, अगर इनमें हिम्मत होती तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सिर्फ कश्मीर के तीन लीडर बोले, फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी और एक तारिक साहब। तो मुझे एक चीज बता दीजिए, जम्मू का एक डोगरे को मौका नहीं मिला, जम्मू के एक डोगरा लीडर वहां नहीं बोल सका? वहां भी लगता है कि कश्मीरी सियासत हावी चलता है भाई साहब। कश्मीर लीडरों ने दबाया नहीं, आप उनके नीचे दबे हुए हो, आप उनके नीचे बैठना पसंद करते हो, आप उनके सामने बैठना पसंद नहीं करते, उनके साथ मिलकर तो बड़ी दूर की बात है, उनके आगे खड़े होना आपके आप में साहस नहीं है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर की जनता को आपने बांटा हुआ है, कश्मीर की बहनें सड़कों पे हैं, जम्मू की माताएं बहनें सड़कों पे हैं, ना कश्मीरी लीडरों को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कश्मीर में कोई ऑप्शन नहीं। तो जम्मू में अब जम्मू के डोगरों के लीडरों को बेवकूफ बनाकर जम्मू में डोगरों को बेवकूफ बनाया जाएगा, लेकिन अब जम्मू का डोगरा बेवकूफ नहीं बनेगा। मैं जनता को कहना चाहता हूं सियासत में आइए, नए नए अच्छे अच्छे लोग सियासत में आइए, ये चले हुए कारतूस जो हैं, ये चले हुए जो लीडर हैं, जो चली हुई गोलियां हैं, इनको त्याग दीजिए, नए चेहरे आगे आइए, जनता की सेवा का भाव रख के आगे आइए, जनता की बात उठाने की बात कीजिए। जब कुर्सी मिलेगी, इलेक्शन जब होगी, इलेक्शन हम भी चाहते हैं, हो पूरे जम्मू कश्मीर चाहता है इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जनता की आवाज़ उठाना ही छोड़ दें। धन्यवाद। बिल्कुल कि अब नए नए लोगों को जो है सियासत में आना चाहिए ताकि वो भी अपनी आवाज़ जो है उठा सकें। जिस तरह से इस समय जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं और स्मार्ट मीटर को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स और कई अन्य मुद्दों को लेकर जो है आम जनता इस समय प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन पर है, और उनके साथ आज के लोगों को भी जो है सियासत में आना जरूरी है। और वहीं पर जम्मू के लीडर्स पर भी एक कड़ा उन्होंने प्रहार किया और कहा है कि जम्मू के लीडर वो कभी भी कश्मीरी लीडर्स के आगे बोल नहीं पाते हैं, उनको चुपचाप वहाँ पे सुनते हैं, अगर वो वहाँ नहीं बोल पाएंगे तो यहाँ के लोगों की बात कौन आगे रखेगा, ये कुछ प्रश्न चिन्ह जो हैं इन्होंने लगाए हैं।